रहे और अपनी कार को एक सुपर कार बनाना चाहते हैं कुछ एडवांस एक्सेसरीज अटैच करके, तो आज की वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है। एक ही गैजेट को ध्यान से देखते रहेगा क्योंकि यहाँ पर होंगे एक से बढ़कर एक कमाल की गैजेट जो कि आपकी कार को एक सुपर कार बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करिएगा और इसी तरीके की मजेदार गैजेट देखने के लिए न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 17, बायो ऑटो एंड आउटडोर स्मार्ट कार किट। टॉर्च एक ऐसा गैजेट है जिसे कि हमारे कार की टूल किट में जरूर से होना चाहिए। इसके पीछे वजह यह होती है कि कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पूरी तरीके से अंधेरा होता है और हमें जरूरत होती है एक ऐसी टॉर्च की जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की टॉर्च आपको काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाली है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे ऐसे और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इसे एक बेहतरीन यूटिलिटी टूल बनाते हैं। बात अगर इसके टॉर्च के फीचर की जाए तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस के साथ साथ इसके फोकस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसकी जो फोकस रहती है वो 400 मीटर तक की होती है, यानी कि अगर आप चाहें तो एक पॉइंट पर इसे 400 मीटर दूर तक फोकस कर सकते हैं। अगर बात करी जाए इसकी बैटरी की तो इसमें एक पावरफुल बैटरी इनबिल्ट होती है जिससे कि इस टॉर्च को लगभग 20 घंटों तक चार्जिंग पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं टॉर्च लाइट एक पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है जिससे कि आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि आपके फोन और लैपटॉप वगैरह भी चार्ज हो सकते हैं। इसकी टूल किट में आपको और भी छोटे छोटे गैजेट्स मिल जाते हैं जैसे कि मिल जाता है एक छोटा इन्फ्लेटर और एक स्प्रेयर। स्प्रेयर का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी गाड़ी को धुल सकते हैं और इन्फ्लेटर का इस्तेमाल आप अपने कार के टायर प्रेशर को मेंटेन करने में कर पाएंगे। तो ये टूल किट आपके लिए एक कंप्लीट सेटअप होती है कार के लिए जिसे कि आप अपने साथ जरूर से रखना चाहेंगे किसी भी लंबी ट्रिप पर। नंबर 16, हुड वे ड्राइव। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने सामने की तरफ होता है और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं नेविगेशन का या फिर अगर आप स्पीड देखना चाहते हैं तो बार बार आपको नीचे की तरफ देखना पड़ता है जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन है और हाईवेज पर और पहाड़ों पर ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की हेडअप डिस्प्ले को जो कि आजकल कार में लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये आजकल इनबिल्ट भी आ रही है, लेकिन अगर आपकी कार में ये चीज नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से हेडअप डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कार में ही। इस डिस्प्ले की खास बात यह होती है कि इसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ साथ सिंक करा सकते हैं जिससे कि आप नेविगेशन वगैरह इसमें सेटअप कर पाएंगे। साथ ही कार की स्पीड को भी मॉनिटर करता है जिससे कि आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं इस हेडअप डिस्प्ले के अंदर। तो अगर आप भी ड्राइविंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने आंखों के एकदम सामने ड्राइविंग करते वक्त, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। नंबर 15, OBD 11। आजकल कार्स में काफी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कि आज भी इस तरीके के फीचर्स नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी डिवाइस को। बेसिकली ये एक तरीके की ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपकी नॉर्मल कार को एक स्मार्ट कार में बदल सकती है। बस आपकी कार में होना चाहिए एक ऐसा OBD पोर्ट जहां पर आप इसे प्लग कर पाएं। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है जहां से जाकर आप अपनी कार के फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप इंफोटेनमेंट वगैरह की भी सेटिंग को एडजस्ट कर सकेंगे जिसमें कि आप म्यूजिक और मूवीज वगैरह को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये डिवाइस आपको काफी सारे कंट्रोलिंग फीचर्स अवेलेबल करा देती है जिससे कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो अगर आप भी अपनी बेसिक कार को थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहते हैं तो बस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। बस इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी को चेक करना होगा कि आपकी गाड़ी में इसका सपोर्ट दे रखा है या नहीं। नंबर 14, रेस बॉक्स। वैसे तो कार में GPS इनबिल्ट होता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में GPS नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि एक टाइनी GPS डिवाइस है। इस GPS डिवाइस में आपको काफी सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इससे आप अपनी गाड़ी की पोजीशनिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने अपनी गाड़ी कहां पार्क कर रखी है या फिर आपकी गाड़ी कहां है। वहीं दोस्तों, आप स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रिसाइज स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ये ट्रैक करते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी कोई मांग के ले जाता है और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो आपको अलर्ट भी आ जाएगा। दोस्तों, इस तरीके के गैजेट को ना सिर्फ आप अपनी कार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आपकी बाइक के लिए भी काफी बेहतर रहेगा जिससे कि बाइक की पोजीशनिंग और इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगा पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के टाइनी GPS डिवाइस को आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी कार और बाइक में जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नंबर 13, हैमाकर ट्रेलर हिच स्टैंड। ड्राइविंग करते करते अगर आप भी थोड़ा सा थक जाएं और आपका जी करे कि थोड़ा सा रुक के आराम कर लिया जाए तो ये गैजेट आपके इस काम में काफी हेल्प करने वाला है। ये एक तरीके का ऐसा एसेसरीज अटैचमेंट होता है जिसे कि कार के पिछले हिस्से में लगाया जा सकता है जहां पर आप दो पाइप्स अटैच करके एक अच्छा खासा झूला बना सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किया जाता है पैराशूट फैब्रिक को जो कि एक बेहतरीन हैमॉक होता है और इस स्टैंड के साथ जुड़ने के बाद इसमें आपको काफी कंफर्टेबल स्पेस मिल जाता है जिसमें कि आप लेट के थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो कैंपिंग करने वाले लोगों के लिए
और लंबे लंबे ट्रिप्स करने वाले लोगों के लिए ये गैजेट काफी यूजफुल रहेगा, जिसमें कि वो अपनी कार के बाहर थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। नंबर 12, नॉर्थशायर मिनी टायर इन्फ्लेटर। अगर आप अपनी कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी कार की टायर का प्रेशर कम है, और ऐसे में ना तो आपको आसपास कोई शॉप मिलती है जहां पर आप टायर के प्रेशर को चेक करा पाएं, और ना ही ऐसा कोई जुगाड़ होता है जिससे कि आप प्रेशर को फिर से मेंटेन कर पाएं। लेकिन अगर आपके पास है इस तरीके का छोटा सा मिनी इन्फ्लेटर तो इससे ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। साइज में देखा जाए तो ये इन्फ्लेटर इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे आप अपनी कार की टूल किट में रख सकते हैं, और जब भी आपकी कार के टायर का प्रेशर कम हो तो बस इसे कनेक्ट करें और अपने प्रेशर को चेक करें, और प्रेशर कम होने पर आप इसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं कि कितना प्रेशर आपको चाहिए। ये खुद ब खुद आपके टायर के प्रेशर को मेंटेन कर देता है। हालांकि दोस्तों ये गैजेट बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी कार के 12 वोल्ट के डीसी सॉकेट से भी अटैच कर सकते हैं, जिसके ऑप्शंस भी आपको इस गैजेट के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं एक ऐसा इन्फ्लेटर, तो ये गैजेट काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। नंबर 11, ड्रॉप रैक्स रूफ रैक। जो लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा अपनी कार से, तो ज्यादातर आपने उनकी गाड़ियों में देखा होगा कि ऊपरी हिस्से में रूफ कैरियर्स लगे होते हैं, जहाँ पर वो भारी भरकम सामान वगैरह लोड कर पाते हैं, जिससे कि कार के अंदर काफी स्पेस बचता है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। रूफ में सामान रखने के कुछ फायदे हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि रूफ में सामान लोड एंड अनलोड करना बहुत दिक्कत वाला होता है, जिसमें कि आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस रूफ कैरियर में देखने को मिलने वाला है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये एक ऐसे स्लाइडर रूफ कैरियर के साथ आता है, जिससे कि आप करके नीचे की तरफ ला सकते हैं, और जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से कार के रूफ टॉप पर लगा पाएंगे। यानी कि बस आपको जब भी सामान इसमें रखना हो या फिर उतारना हो तो इसे नीचे लाइए, अपना काम करिए और एक बार फिर से रूफ की तरफ स्लाइड कर दीजिए, जिससे कि आपका सामान ना सिर्फ सेफ रहेगा बल्कि इसे चढ़ाना उतारना भी बेहद आसान हो जाता है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं और अपनी कार के रूफ टॉप पर सामान रखते हैं, तो उनके लिए ये गैजेट काफी यूजफुल है। नंबर 10, रोबोट कार वैक्यूम। कार की क्लीनिंग में वैक्यूम क्लीनर के काफी मायने होते हैं, क्योंकि कार में ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा गंदगी वगैरह आ जाती है जिसे कि आप वैक्यूम क्लीनर से ही साफ कर सकते हैं। और बात बड़े वैक्यूम क्लीनर्स की करी जाए तो उन्हें आप कार में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि कार में इतनी जगह नहीं होती है कि आप ये हैवी वैक्यूम क्लीनर्स कार के अंदर रख पाए। तो वहां पर आपके काम आएगा ये गैजेट, जो कि साइज में इतना छोटा होता है कि ये एक वाटर बॉटल जैसा देखने में लगेगा। इसे खासतौर पर कार के लिए और आपके घरों में इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। इसमें इनबिल्ट होती है एक छोटी बैटरी, जिससे कि आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसका कलेक्शन चैम्बर भी थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जैसा कि ये कार की क्लीनिंग के लिए बनाया गया है, वहां पर ये अपना काम काफी परफेक्शन के साथ करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कोई गैजेट खरीदना कार क्लीनिंग पर्पस, तो ये गैजेट आप एक बार जरूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। नंबर 9, शाई वेलवेट कार टेंट। अगर आपकी कार धूप में खड़ी होती है और आप बचाना चाहते हैं उसे वेदर से, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के कार टेंट को। नॉर्मल तो इस काम के लिए कवर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कवर होता है उसे डालना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन ये कार टेंट बेहद ऑटोमेटेड रहता है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान होता है, क्योंकि बस आपको एक बार इसे सेटअप कर देना है और जैसे ये बटन ऑन करते हैं तो ये कवर खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाता है और आपकी पूरी गाड़ी को कवर कर लेगा। अच्छी बात ये रहती है कि इस टेंट का इस्तेमाल ना सिर्फ आप अपनी गाड़ी को कवर करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि इसे ट्राइपॉड स्टैंड के साथ अगर आप करके एक छोटा सा मिनी टेंट लगाना चाहते हैं पिकनिक के लिए, तो वो काम भी इसमें आसानी से हो जाएगा। एक तरीके का मल्टीपर्पस ये गैजेट हो जाता है, जिससे कि आप अपनी कार की सेफ्टी तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर सकते हैं पिकनिक के दौरान। नंबर 8, याकिमा रोड शॉवर। जो लोग अपनी कार से लंबे टूर पर जाते हैं वो अक्सर काफी दिनों तक घर नहीं पहुंच पाते और अक्सर उन्हें होटल वगैरह भी नहीं मिलते जहां पर वो थोड़ी देर रेस्ट कर पाए और नहा धो पाए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ राह चलते ही करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी एसेसरीज जरूर मिल जाएगी जो कि आपके लिए एक मिनी शॉवर की तरह काम करेगी। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा टैंक होता है जिसमें कि आप वाटर स्टोर कर सकते हैं और साथ ही काफी सारे अटैचमेंट मिल जाते हैं, जिससे कि आप शॉवर ले पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको एक स्प्रेयर भी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप अपनी गाड़ी को साफ करने में कर सकते हैं, जो कि एक और भी अच्छी बात होती है। तो अगर आप एक ऐसी लंबी ट्रिप पर जाते हैं जहां पर बाथरूम वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, या फिर अगर आपकी राह चलते गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो जाती है और आप उसे साफ करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही जगहों पर इस तरीके का रोड शॉवर आपकी काफी हेल्प करेगा। नंबर 7, ट्रैकी जीपीएस ट्रैकर।
जीपीएस आपकी कार के लिए या फिर उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिन्हें कि आप ट्रैक करना चाहते हैं और खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और खास तौर पर बात करी जाए अगर आपकी कार की या फिर बाइक्स की, तो इनकी चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप भी एक छोटी सी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस चाहते हैं तो इस तरीके की डिवाइस को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि साइज में बेहद छोटी रहेगी। इस डिवाइस की खास बात यह होती है कि ये आपको रियल टाइम ट्रैकिंग अवेलेबल कराती है, साथ ही साथ आपको काफी सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आप सेफ जोन को डिफाइन कर सकते हैं और अगर उसके बाहर आपकी गाड़ी या फिर किसी भी चीज को कोई लेकर जाता है तो फौरन आपके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट आ जाएगा। इसमें इनबिल्ट होती है एक SOS बटन, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को सिग्नल दे सकते हैं और अपनी लोकेशन भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल ना सिर्फ आप अपनी कार और बाइक्स में कर पाएंगे, बल्कि अगर आप चाहें तो इसे अपने बच्चों के साथ भी उसके बैग में रख सकते हैं, जिससे कि जब चाहें उन्हें भी ट्रैक कर पाएं। तो इस मल्टीपर्पज गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चाहते हैं इसे खरीदना तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नंबर 6, फ्रूबेल कैंपर किट। जो लोग अपनी कार से कैंपिंग वगैरह करते हैं तो वो कोशिश करते हैं अपनी कार में एक ऐसा छोटा सा किचन बनाने की, जिसमें कि वो अपने जरूरत का खाना वगैरह बना पाए, लेकिन बहुत ही कम कार्स में ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस सेटअप को देखिएगा, जो कि खास तौर पर टेस्ला मॉडल वाई के लिए बनाया गया है। इस सेटअप की खास बात होती है कि इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि आपके किचन में होती हैं, जिसे कि आप अपने ट्रैवल के दौरान एक मिनी किचन के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक छोटी सी सिंक देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ एक स्टोव भी रहता है, जिसमें कि आप अपना खाना पका सकते हैं और बर्तन वगैरह को रख सकेंगे। छोटे छोटे और भी काफी सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपने खाने पीने का सामान रख सकते हैं, जो कि आपको एकदम मिनी किचन वाली फीलिंग देने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी कार को कस्टमाइज करवा सकते हैं और एक ऐसा सेटअप डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आप जहां पर जाएं आपका किचन हमेशा आपके साथ रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये सिस्टम आपको कैसा लगा। नंबर 5, IQ एयर एटम कार एयर प्यूरिफायर। आजकल बड़े बड़े शहरों में काफी ज्यादा पॉल्यूशन रहता है और हमारी कारों में भी आजकल एयर प्यूरिफायर्स आने लग गए हैं। और अगर आप भी अपनी कार को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं और एक इंस्टॉल करना चाहते हैं ऐसा एयर प्यूरिफायर, जो कि ना सिर्फ साइज में छोटा हो बल्कि साइलेंटली अपने काम को भी करे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एयर प्यूरिफायर को। ये आपकी 200 से भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करता है आपकी नॉर्मल एयर से, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। वही दोस्तों, इसमें मल्टीपल फिल्टर्स लगे होते हैं और साइज में छोटा होने के बावजूद भी ये काफी साइलेंट रहता है, जिससे कि आपकी कार के अंदर की एयर को पूरी तरीके से साफ कर देगा और आप आराम से अपने सफर का मजा ले पाएंगे। तो लंबे रूट पर जाने से पहले आप एयर प्यूरिफायर्स अपनी कार में जरूर से रख लीजिएगा, जिससे कि आपकी सेहत पर ट्रिप का कोई भी असर ना पड़े। नंबर 4, टर्बो एयर फ्रेशनर। हम सभी अपनी कार में परफ्यूम्स का इस्तेमाल तो जरूर से करते हैं, क्योंकि कार के अंदर इक्विपमेंट्स की कुछ ऐसी स्मेल होती है जिसे कि हटाने के लिए एयर फ्रेशनर्स काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो ऐसा ही एयर फ्रेशनर अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कि ना सिर्फ आपको अच्छी अच्छी खुशबू दे बल्कि देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। साइज वाइज देखा जाए तो ये देखने में आपको एक टर्बो जैसा लगता है, जिसके बीचों बीच आपको एक टर्बो फैन भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही कूल नजर आता है। इसे अगर आप चाहें तो अपनी कार के एसी वेंट्स में लगा सकते हैं, और जब भी आप अपनी कार इस इवेंट्स को ऑन करते हैं तो ये टर्बो का प्रोपेलर भी घूमने लगेगा और देखने में ये चीज काफी अच्छी लगती है, और साथ ही आपको धीमी धीमी खुशबू देता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो अगर आप भी एक यूनिक तरीके का एयर फ्रेशनर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी कार में, तो ये गैजेट थोड़ा सा अलग हटके है। नंबर 3, इहोमी 12 वोल्ट रेफ्रिजरेटर। जो लोग अपने कार से लंबे लंबे रूट्स पर जाते हैं, उन्हें एक कार में रेफ्रिजरेटर रखना पड़ता है, जिससे कि वो ठंडा ठंडा पानी लेते रहें और अगर उनके पास खाने पीने का सामान है तो वो भी उसमें रख सकें। तो ऐसा ही एक रेफ्रिजरेटर ये रहता है, जो कि साइज में बेहद छोटा रहेगा, जिसे कि आप एक ट्रॉली बैग के तरह अपने बूट स्पेस में रख सकते हैं। कमाल की बात इसमें ये रहती है कि इसे आप अपने 12 वोल्ट के कार सॉकेट के साथ भी चला पाएंगे, और साथ ही एक बैटरी भी दे रखी होती है, जिससे कि आप इसे वायरलेसली कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें साइड में ग्रैब हैंडल्स दे रखे होते हैं और एक छोटी सी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसमें कि टेम्परेचर से लेकर आप काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, और बैटरी प्रोटेक्शन मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि इसकी कूलिंग को भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो लंबे रूट प्लान करने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर कार में होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि वो अपने खाने पीने का सामान और अपनी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रख सकेंगे। नंबर 2, ओनो को ड्राइवर। जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो रास्ते में ऐसी अनवांटेड अनप्रेडिक्टेबल ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता, और अगर आपका को ड्राइवर आपके साथ है तो वो आपको हो सकता है पहले से वार्न कर दे, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिसका एडवांस रडार सिस्टम आपकी काफी हेल्प करने वाला है। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है कि रास्ते को फटाफट स्कैन कर लेता है और ये तय करता है कि रास्ते में कोई चीज तो नहीं है, और कोई भी अनवांटेड चीज अगर इसे नजर आती है तो फौरन इसकी बीप बोलने लगेगी, और जब तक आप इसे टच नहीं करते
हैं तब तक ये बीप चलती ही रहती है। तो एक तरीके से ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है जिससे कि आप फौरन अवेयर हो जाते हैं। तो अगर आप सोलो ड्राइविंग करते हैं तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपकी ड्राइविंग के दौरान काफी मदद भी करता है। नंबर 1, वॉयो डॉग कार सीट। कार में जब आप अपने पेट के साथ सफर कर रहे होते हैं तो अक्सर काफी सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो पेट्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं कार के अंदर भी, जिससे कि ड्राइविंग के दौरान काफी डिस्ट्रक्शन होता है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके की सीट को, जो कि खास तौर पर आपके पेट्स के लिए बनाई गई है। कमाल की बात इसमें ये रहती है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज जगह नहीं चाहिए होती है, बल्कि ये आपकी फ्रंट सीट के बीचों बीच यानी कि हैंड रेस्ट के पास इंस्टॉल कर दी जाती है। वहीं दोस्तों, इस तरीके की सीट को आप एक बैग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप काफी सारा सामान वगैरह लेकर भी कैरी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का एक डॉग कैरियर पर्स भी हो जाता है ये आपके लिए, और साथ ही साथ एक सीट भी हो जाती है आपके पेट्स के लिए, जिसे कि आप रख सकते हैं अपनी कार के अंदर हमेशा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि ये आपको गैजेट कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएगा कि आज की वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। अगर आप दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।